अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कौसुल किचन। आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल साबूदाना कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा। तो चलिए देखते हैं फिर मैंने इसको कैसे बनाई हूँ। तो पहले तेल अच्छा गरम करके ले लेंगे, साबूदाना जो है वो इसमें अभी छोड़ देंगे हम और फ्राई करके ले लेंगे। और ये मैंने साबूदाना 10 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में भिगा के रखे, इसको पानी में भिगा के फिर इसमें फ्राई करना है निथार के अच्छे से। तेल अच्छे से गरम करके हम इसमें डालेंगे और बारीक करके इसको फ्राई करके लेंगे, क्योंकि ये अंदर से कच्चा नहीं रहे, अंदर तक का ये पक जाना चाहिए। और ये ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो आप डरिएगा नहीं, ये अपने आप ही एक 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 अलग हो जाएगा जब फ्राई होगा। तो पत्ते के साथ ही देखो हमारे ये साबूदाना इसमें डालते के साथ ही तेल में अच्छे से फूल चुका है और ऊपर भी आ चुका है, नहीं तो ये कच्चा नहीं रहे अंदर से। तो ये देखो कितना ऐसा पॉपकॉर्न के जैसा फूक चुका है, अभी ये तैयार है। तो हमको ये निकाल लेंगे हम ये सब इसमें से, और इसी तरीके से सब साबूदाना हम फ्राई करके ले लेंगे। थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स भी हम फ्राई करके ले लेंगे वही तेल में। अभी यही झारे में हम सेम को भी फ्राई करके ले लेंगे, कर दूंगी। भुनी हुई जो दाल है वो भी ऐड करेंगे और थोड़ा चलाते रहेंगे। इसे भी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये फौरन कलर अपना चेंज कर देती है। इसे भी फ्राई करके ले लेंगे। ये 2 चम्मच तेल ले लेंगे वही बर्तन में, और मिर्ची हमारी कटी हुई इसमें डालेंगे, कड़ी पत्ता भी थोड़ा ऐड कर देंगे इसमें। कड़ी पत्ता और मिर्ची कुरकुरे हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ी सी डालूंगी हल्दी और इसको हिला के अब मैं चूड़े में ऐड कर दूंगी। अभी ये कॉर्नफ्लेक्स भी हमने फ्राई करके ले लिए, साबूदाना भी फ्राई करके ले लिए है, और ये मसाला जो हमने अभी बनाए थे, खोपरा, सूखा खोपरा फ्राई किए थे, सेंग फ्राई किए थे, और चने की जो दाल होती है भुनी हुई वो भी हमने इसमें फ्राई किए थे मिर्ची और कड़ी पत्ते के साथ में, तो वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद में इसको मिक्स कर लूंगी मैं। अभी इसी के साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, क्योंकि हमने मसाला जो बनाए थे खोबरे का और वो उसके अंदर सेंग का खोबरे का मसाला, ये उसमें भी हमने नमक ऐड किए थे। ये अभी गर्म है तो हम इसमें नमक अभी ही डाल देंगे, और 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर भी ऐड कर देंगे। आपको अगर शक्कर नहीं चाहिए तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। चाट मसाला ऐड करूंगी 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी हम डालेंगे। ये भी आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना लीजिए। तो अच्छे से मिलाना है ताकि हमारे जो चूड़े में जो हमने मसाले अभी जो डाले हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये बटाटा सेव है, ये हम घर में भी बना सकते हैं। आप, मैं इसको रेडीमेड लेकर आई हूँ, आप इसको इसमें डाल दीजिए, इसे भी हम हिला के ले लेंगे। तो ये तैयार है हमारा साबूदाना और कॉर्नफ्लेक्स का मिक्स चूड़ा। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।